इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस 2024 के बारे में। तो बहुत सारे एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा MHT CET SRMJEE BITSET और VIT EEE ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ों के बारे में जानना है, कैसे एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप इस वीडियो के बाद जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेई मेंस के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई मेंस है क्या। जिन जो अभी नहीं जानते हैं या जो पहली बार जाने हैं, उनके बारे में एक बेसिक सी बात कर लेते हैं कि जेई मेंस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवरी ईयर फॉर कैंडिडेट एस्पायरिंग टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन अ लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो कोई भी बंदा अगर चाह रहा है कि वो इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें, जिसकी वैल्यू ऑल ओवर इंडिया में है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो वो जेई मेंस का एग्जाम दे सकता है। जेई मेंस 2024 कंप्राइज ऑफ टू पेपर, यहाँ पे दो पेपर होता है, जिसमें पेपर वन एंड पेपर टू होता है। अब ये समझ लो पेपर वन और पेपर टू क्या क्या होता है। पेपर वन विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट एस्पायरिंग टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग BEA एंड BTEC NIT IITs एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे CFTI इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज फंडेड रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, वेयर एज पेपर टू इज कंडक्टेड फॉर BArch एंड बी प्लानिंग कोर्सेज। तो बी जो पेपर वन होता है वो BE या BTEC के लिए होता है, जिसमें आप IIT या NIT में एडमिशन ले सकते हैं, एंड जो पेपर टू होता है वो आपको BArch एंड बी प्लानिंग के लिए होता है। बेसिकली आपको बस अभी इतना ही समझना है, बाकी आपको और ज़्यादा समझना है तो गो थ्रू करो वेबसाइट पर सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। और बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एग्ज़ाम क्या है, उसको हाईलाइट्स को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये एग्ज़ाम है हमारा जेई मेंस, जैसे जिसको हम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, और इसका पर्पस क्या होता है, टू गेट एडमिशन इनटू NIT IITs IIITs एंड CFTI। IIT के लिए तो फिर जेई एडवांस जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, और या फिर जेई एडवांस का एक डोर है। तो या तो आप कह सकते हो कि जेई एडवांस का एक डोर है, या IIT या IIITs या CFTI, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, लेवल ऑफ एग्जाम हमारा नेशनल एग्जाम है, और एक साल में दो बार कंडक्ट कराई जाती है। अब इसका मोड जो पेपर वन होता है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पेपर टू आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये भी प्लानिंग वाला भी कंप्यूटर होता है, लेकिन जो ड्राइंग पार्ट होता है वो पेन एंड पेपर पे होता है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होता है, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jmains.nta.nic.in पे जा सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब आपका एग्जाम होना है और क्या उसकी ऑफिशियल कब मतलब फॉर्म कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। टेंटेटिव डेट है ना, ये आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहले जेई मेंस नोटिफिकेशन आने के चांसेस नवंबर में, यानी कि नवंबर के स्टार्टिंग वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नवंबर के मिड या दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में आपकी इसकी फॉर्म आ सकती है। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जनवरी तक चलेगा अप्रैल सेशन के लिए, एंड जेई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट होगा वो जनवरी का, जनवरी दिसंबर ये होगा, मतलब जनवरी समझ लो कि जनवरी में आखिरी डेट हो जाएगा ये, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म होगा जनवरी से दिसंबर और अप्रैल से मार्च, क्योंकि दो बार एग्जाम हो रहा है इसलिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अप्रैल वाला भी लिखा है, जनवरी वाला भी लिखा है। एडमिट कार्ड रिलीज होगा जनवरी, एंड फिर वो अप्रैल सेशन वाला अप्रैल में, जनवरी सेशन वाला जनवरी में, एंड अप्रैल सेशन वाला अप्रैल में। इसी तरह से एग्जाम डेट जनवरी सेशन वाला जनवरी में, एंड अप्रैल सेशन वाला अप्रैल में, ये दोनों इसलिए लिखा है, ठीक है ना। एंड डेट फिर जनवरी का जनवरी में आता है, एंड अप्रैल का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फॉरन रिजल्ट आ जाता है कुछ दिनों के अंदर। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, कोई भी आपका एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज के हो सकते हैं, आपके पास कोई भी एज लिमिट नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, 12 क्वालिफाइंग होने चाहिए विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। या फिर जो पहली बार आते हैं, या फिर जो अपियरिंग में डालना चाहते हैं वो भी इसको डाल सकते हैं अपियरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद जब एडमिशन का टाइम आएगा तो फिर उसके बाद आप रिजल्ट वगैरह सब अटेस्ट करवाओगे, फिर वहाँ पे वो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी एक है। पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 इन 2022 एंड 2023 आर अपीयरिंग 2024 ओनली विद द जेई मेंस मार्क्स 2024, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा किसी भी टाइम, मान लो को एक बंदे ने 22 में जो है उसका 12th हुआ था ये, और एक बंदे का 23rd में हुआ था, लेकिन अगर वो 24 के लिए अगर वो जाना चाह रहा है, 24 के लिए जेई मेंस एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसके पास 24 का
एलिजिबल जो है वो स्कोर कार्ड माइनिंग करेगा, यानी कि वो 22 के से जा सकता है, उसके 24 का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा कि अपियरिंग जो 22 एंड 23 के स्टूडेंट है वो भी 24 का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो सब्जेक्ट आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से। एडमिशन क्राइटेरिया होगा यहाँ पे, देखो बीटेक एंड बीआर प्लानिंग, आईआईटी एंड सीएफटीआई को यहाँ पे 75% मार्क्स चाहिए होते हैं एंड 65% चाहिए होते हैं एससीएनएसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड बीआर के लिए आपको 50% का एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बीटेक बीआर या बी प्लान में आईआईटी एंड एनआईटी के लिए 75% चाहिए होता है, ठीक है। और बीआर के लिए होता है आपका 50%। अब एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कशन कर लेते हैं। द अथॉरिटी विल सून रिलीज JEE 24 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। फॉर्म को फिल करने का क्या तरीका होता है, फॉर्म को फिल करने का जो तरीका होता है वो पहले हम जो भी चीज़ें हमारे से पूछी जाती हैं, हमारा नाम पूछा जाता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है और भी जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, हम उसको पहले वहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो हम उसको भी अपलोड करते हैं। अपलोड करने का जो तरीका उसमें कहा जाएगा उसी फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। गलत फॉर्मेट में अपलोड करोगे तो अपलोड अगर नहीं हो, अगर हो भी जाएगा तो फिर बाद में ये तुम्हें दिक्कत दे सकता है। अपलोड JPG में करा तो JPG में करो, मतलब जिस फॉर्मेट में कह रहा है उस फॉर्मेट में ही आपको फोटो को अपलोड करना है, जो साइज़ हो रहा है उस साइज में फोटो को अपलोड करना है। अब देख लो क्या क्या चीज़ें अपलोड करना है, स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है, या इसका फॉर्मेट JPG या JPEG हो सकता है, ठीक है। एंड उसका साइज़ होगा 10 से 200 KB, इसी के दरमियान उसकी साइज़ होगी। स्कैन सिग्नेचर होगा वो भी JPG या JPEG में ही होगा, 4 से 30 KB। एड्रेस प्रूफ भी PDF में होगा आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF में होगा, NPWP सर्टिफिकेट PDF में होगा। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होता है उसका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। फी पेमेंट जो होता है वो उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे आपने सारा फॉर्म फिल कर दिया, आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में आपका काम नहीं करता, तो आपको यहाँ पे पैसे देना होगा। पैसे देने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, जो करना चाहो वो कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना करते हैं, नेक्स्ट जो हम वीडियो होगा वो डेडिकेटेड, हम विल टॉक अबाउट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ये दो चीज़ हम बात करेंगे, किस पैटर्न पे एग्जाम होता है और क्या हमारा सिलेबस है, तो वो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर दिया, उसके लिए उसमें आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।